बुलडोजर से केवल देश ही नहीं चल रहा है, बुलडोजर से संसद चलाया जा रहा है। कई बात को जोर से उठाता हूँ, लोग कहते हैं दल बदल गया। अरे दल तो बदल सकता है, सब बदला है। देवेंद्र यादव दिल कभी नहीं बदला है, संघर्ष मैं कभी बीजेपी के साथ नहीं गया हूँ। याद रखना, भ्रम में मत रहना, अपने में तो मीठा खट्टा होता जाता है। सब लोग कहा कि क्विट इंडिया, गांधी जी ने कहा आजादी की लड़ाई में, तो अंग्रेज ने कहा स्प्लिट इंडिया, इस इंडिया को तोड़ो। और तोड़ा हुआ इंडिया हमको मिला 47 में। तो उनके ऐसे महान मेरा सौभाग्य था कि जन नायक गुरु ठाकुर के लिए मैंने इस्तीफा दिया, अदालत को जांच से जमात की ओर ले जाने का एक रास्ता प्रशस्त किया था। आज तो सब भाषण देता है, करने में कहने में बड़ी कठिन है, त्याग करना बहुत कठिन है। समाजवाद तब तक लागू नहीं होगा जब तक आप त्याग नहीं करोगे, बलिदान नहीं करोगे, कुछ तो करना पड़ेगा। सबको बेईमानी करने का गुंजाइश है, डॉक्टर को भी है, इंजीनियर को भी है, एमएलए को भी है, एमपी को भी है, मंत्री को भी है, किसान को बेईमानी करने का भी कोई गुंजाइश नहीं है। ये ऐसा संवर्ग है किसान, किसान का 50,000 हमारा किसान कर्जा लेता है तो बैंक खोला जाता है, भूमि विकास बैंक के द्वारा नोटिस आता है, और ये पूंजीपति जो कर्जा लेता है तो माफ कर दिया जाता है। यह है देश का हाल। तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हो गया, तो 9 साल में तू प्रगति क्या किया? जब गरीबी रेखा बढ़िया गया तो तुम्हारा विकास क्या हुआ? ये अपने आप का सवाल उठ जाता है। यह देश बुलडोजर से नहीं चलेगा, यह देश जब भी चलेगा डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, धन निरपेक्षता से चलेगा। भाई भाई को नफरत फैला करके ये देश में अपना राज करना चाहता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के हमदर्द, किसानों के मसीहा चौधरी साहब का जो आज जन्म दिवस है, जो किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, आज उस धरती पर उस समय चौधरी साहब की जयंती मनाया जा रहा है किसान दिवस में, जब पूरे देश में आज लोकतंत्र पर कहर लगा हुआ है, नागरिक आजादी और जो बोलने की आजादी है उस पर बंदिश लग गया। कैसे समय में हम लोग चौधरी साहब का जयंती आज 23 दिसंबर को मना रहे हैं, जब बुलडोजर से केवल देश ही नहीं चल रहा है, बुलडोजर से संसद चलाया जा रहा है, जहां 542 पार्लियामेंट के मेंबर है लोकसभा में, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें भी बुलडोजर चल रहा है। जब मैं समाजवाद को जोर से उठाता हूँ, लोग कहते हैं दल बदल गया। अरे दल तो बदल सकता है, सब बदला है, देवेंद्र यादव दिल कभी नहीं बदला है, संघर्ष मैं कभी बीजेपी के साथ नहीं गया हूँ। याद रखना, भ्रम में मत रहना, अपने में तो मीठा खट्टा होता जाता है। रामचंद्र नहीं जानते, अनुभव कम है तुम्हें। लालू प्रसाद साथ पार्टी भरा है, तो बताओ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने पार्टी भरे हैं? नहीं चाहता हूँ सब, तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बोल सकता हूँ? ये मेरे लिए बंदिश है। जनता पार्टी को शुरू किया था 77 में, इसके बाद जोड़ लो क्या हुआ, लोक दल बना, लोक दल के बाद दम कृपा बना, हम सब थे उसमें, लालू राहुल भी थे, और इसके बाद दम कृपा के बाद क्या बनता है, जनता दल, जनता दल एस, जनता दल यूनाइटेड, राजद, अब जरा जोड़ लीजिए सब फिर इसको कितना होता है। लोक दल के साथ लालू प्रसाद यादव इस बिहार का एक आकर्षण था, और वो भी नेता था इसी में लोक दल, वहाँ देवेंद्र यादव था। मुझे कोई व्यक्ति से नहीं मतलब है, आज मैं ये कहने आया हूँ कि चौधरी साहब की जयंती आप याद करो, चौधरी साहब कहाँ से उठ के कहाँ गए। चौधरी साहब का जन्म नूरपुर में हुआ था, हापुर तहसील में, मेरठ जिला के अंतर्गत। 1902 में 23 दिसंबर को उनका जन्म हुआ, एक फूस के मरैया में, ठीक है, फूस के घर से निकल करके नूरपुर में वो आदमी मुख्यमंत्री बनता है 67 में, जो संबित की सरकार बनी थी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होते हैं, याद रखें उस देश में डॉक्टर लोहिया ने कहा था, उनको चुनौती मिला था कि छोटी पार्टी है, ये क्या कर लेगा सोशलिस्ट पार्टी। डॉक्टर लोहिया ने 62 में कहा था, फर्रुखाबाद से लोकसभा के मेंबर हुए थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने कहा ठीक कह
है वो हिमालय को जरूर है, हम कांग्रेस हिमालय जरूर है, इतना चोट मारूंगा चिरखा जरूर फाड़ूंगा। और 67 में दो राज्यों में संघ की सरकार बने, उसमें मुख्यमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह, उसमें मुख्यमंत्री हुए बिहार के महामाया प्रसाद, उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए हमारे जन नायक कर्पूरी ठाकुर बिहार में। 67 की बात कर रहा हूँ। अब मैं चौधरी साहब आता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाए, समय बहुत हो गया, ठंडा जाना आपका। 1971 में फिर भारतीय क्रांति दल मरा, चौधरी साहब चले थे कांग्रेस से। याद रखना दोस्तों, कम अनुभव हो ज्यादा बड़ी बात मत करना पार्टी में रखने का। चौधरी चरण सिंह वहां से चले थे कांग्रेस से, तो कोऑपरेटिव खेती को लेकर लड़ाई हुआ। चौधरी साहब कहा नहीं, किसान के छोटी खेती होगा, ये सरकार का कोऑपरेटिव खेती। जो अभी देखे होंगे आप लोग, यहाँ लक्ष्मी साहब का जो घर है वहाँ पूरा फॉर्म घेरे हुए है सरकार का खोपा। चौधरी साहब के नहीं, इसमें लेबर ऑफ सुपरविजन नहीं होगा, देख रेख नहीं होगा, अच्छा पैदावार नहीं होगा, मैं इसके हिमायती नहीं हूँ। चौधरी साहब ने उसको ललकारा और लड़ गए। चौधरी साहब चले आए भारतीय क्रांति दल। अब भारतीय क्रांति दल में 71 में फिर मुख्यमंत्री हो गए। अब इतना कहानी तो ये लोग कहे हैं राजमंत्री गृह मंत्री फिर भारत सरकार, तो झोपड़ी से, मेरे कहने का मतलब है झोपड़ी से चल के चौधरी साहब कहाँ पहुंच गए। देश के सर्वोच्च पद है राय, कौन जगह है जानते हो ना, उस जगह जहाँ आप कभी कह रहे थे आप लोग इस पर राज करना बहुत कठिन था। चौधरी साहब झोपड़ी से उठ करके सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। चौधरी साहब इसलिए जाने जाते थे, ईमानदारी के प्रतीक है देश में, राजनीति में ईमानदारी बहुत कम बच गया है। चौधरी चरण सिंह इसलिए याद किए जाते हैं, चौधरी चरण सिंह याद इसलिए किए जाते हैं 1928 में ठीक कहा था किसी ने कि अभी वहाँ से आगरा कॉलेज से वकालत की डिग्री उसने प्राप्त किया था, और डिग्री प्राप्त करने के बाद 1930 में जब नमक आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा, नमक छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उसमें चौधरी साहब ने अहम भूमिका निभाने का काम किया। नमक आंदोलन, नमक कानून छोड़ो, ये गांधी जी का आह्वान था 1930 में। अब थोड़ा तेजी से चले आते हैं, लंबा हो जाए तो आज छोड़ देते हैं। 1942 में चौधरी चरण सिंह ने बड़ा त्याग किया है राह के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। 1942 में जब भारत छोड़ो का आंदोलन हुआ, पूरे देश में महात्मा गांधी का ऐलान हुआ, ए अंग्रेज भारत छोड़ो क्विट इंडिया, तो अंग्रेज ने क्या चालाकी किया, तुम क्विट इंडिया तो हम स्प्लिट इंडिया, पाकिस्तान को हमारे भाई को भाग दिया, हम तो एक थे। दो हक का सारा सुरक्षा पर खर्च होता है पाकिस्तान में, आज भारत का बहुत सा बजट खर्च हो रहा है अननेसेसरी, इसीलिए डॉक्टर लोहिया ने कहा था आज हिंदुस्तान का महासंघ बनना चाहिए, फैसला होना चाहिए, बांट दिया। अंग्रेज कितना चलान था, कहा हिंदुस्तान तो देंगे तुमको आजादी 42-47 में, लेकिन स्प्लिट करके देंगे, तोड़ दिया, हमारे देश को दो भाग कर दिया। हम लोग कहे, सब लोग कहा कि क्विट इंडिया गांधी जी ने कहा आजादी की लड़ाई में, तो अंग्रेज ने कहा स्प्लिट इंडिया, इस इंडिया को तोड़, और तोड़ा हुआ इंडिया हमको मिला 47 में। तो 42 में चौधरी साहब जेल गए हुए थे, आज उस जगह उनका जयंती हम लोग मना रहे हैं। एक बनाए जब मैं कर्पूरी ठाकुर जी के लिए मैंने 3 महीने के भीतर लोग विधानसभा का सीट छोड़ दिया था फुलब्रास से, पूरे बीबीसी लंदन में नाम हुआ फुलब्रास का। अभी तो चौक पर बैठता है, उम्र है 30-35 साल, अरे 46 वर्ष पहले वीरेंद्र यादव एमएलए था, तो माँ के पेट में भी नहीं होंगे मेरे इलाके से, पुत्र जानते हो तो। माननीय लालू प्रसाद यादव भी गिरफ्तार हुए, छात्र संघ के अध्यक्ष थे पटना यूनिवर्सिटी के, और पूरे बिहार के छात्र संघ के अध्यक्ष हुए माननीय लालू प्रसाद जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। उस समय मैं बिहार पटना मधुबनी का छात्र संघ का मैं जिला का अध्यक्ष था, यहाँ से मैं शुरू किया। कभी इतिहास भूगोल देखना कहना,
ऐसे मत बोल देना, एक्सीडेंट हो जाए। हम वो लोग सुने होंगे, अरे जैसे सूर्य अस्त हो रहा है, आज आकाश का सूर्य तौस रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में इसने समाजवादी सूर्य को फिर से देवेंद्र के रहा है। इस्तीफा दे अभिमन्यु का काम किया करके ठाकुर जैसे, जिन्होंने कभी किसी के लिए, उनके ऐसे महान मेरा सौभाग्य था कि जन नायक ठाकुर के लिए मैंने इस्तीफा दिया। अदालती को जांच से जमात की ओर ले जाने का एक रास्ता प्रशस्त किया था। आज तो सब भाषण देता है, करने में कहने में बड़ी कठिन है, त्याग करना बहुत कठिन है। समाजवाद तब तक लागू नहीं होगा जब तक आप त्याग नहीं करोगे, बलिदान नहीं करोगे, कुछ तो करना पड़ा। तो मैंने 3 महीने में अपना MLA सीट त्याग कर दे दिया। क्यों? केवल कर्पूरी ठाकुर जी के लिए नहीं, 5 एकड़ जमीन जो सवाल उठा रहे थे वो मंडली, उस समय कर्पूरी ठाकुर जी ने 5 एकड़ लाभकार खेती से माल गुजारी माफ किया था। कर्पूरी ठाकुर जी ने विदाउट अंग्रेजी फांस का फैसला कर दिया था। उस समय में कर्पूरी ठाकुर जी ने मन के गरीब और धन के, जो धन के भी गरीब है मन के भी गरीब है, ये जो गरीब लोग है वो मन के भी धन के गरीब तो सबक भी हो रहे हैं, मन का गरीब वो नहीं है, मन के आप तो गरीब हो। इसीलिए मन और धन दोनों के गरीब थे, उनको उठाने के लिए जन नायक कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता समाजवादी के लिए हमने इस्तीफा दिया था। क्योंकि हमने डॉक्टर लोहिया में किताब पढ़ा था, उसमें लिखा है बहुसंख्यक पिछड़ा जब कम आबादी वालों के लिए खाद बनेगा, उसी दिन समतामूलक समाज का नील होगा। बेरोजगारी का ये आलम नहीं होता, मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ। और किसान एक ऐसा संवर्ग है, सबसे ईमानदार कोई कौन है तो किसान। मैं कह जो साबित कर सकता हूँ, 2 कट्ठा जमीन में आप हल चलाएंगे चाहे ट्रैक्टर से जोतेंगे, आप खाद देंगे, बीज देंगे, कीटनाशक दवा देंगे, पानी देंगे, देख रेख करेंगे, लेबर ऑफ सुपरविजन करेंगे, तब जाकर अनाज भरना होगा। 2 कट्ठा में यदि आप जोत किए, पानी दिए, खाद दिए, बीज दिए, देख रेख किए, तो 2 ही कट्ठा मत देगा, 3रा कट्ठा में अनाज नहीं उग सकता है। इंजीनियर 9 किलोमीटर का रोड बनाएगा, 5 किलोमीटर बनाएगा, 4 किलोमीटर में मिट्टी छिड़क लेगा, फील्ड बन जाएगा, बेमानी का बन जाएगा। प्रोफेसर पढ़ाते तो माफ करना, कुछ लोग चौधरी साहब को बोलूंगा तो कुछ तकलीफ भी होगा, तो लोग माफ कर दीजिएगा। प्रोफेसर 1 घंटी खड़ेगा, 7 दिन का दर्द ज्यादा लेता था, अभी थोड़ा पेट हुआ है। तो और शिक्षक का भी यही हाल है, MLA MP हम लोग का भी यही हाल है, गए 2 मिनट कसरत किए, हाजिरी दिए, 11 बजे 12 बजे के बाद लोकसभा से बाहर आए, विधानसभा से बाहर आए। सबको बेईमानी करने का गुंजाइश है, डॉक्टर को भी है, इंजीनियर को भी है, MLA को भी है, MP को भी है, मंत्री को भी है, किसान को बेईमानी करने का भी कोई गुंजाइश नहीं है। ये ऐसा संवर्ग है किसान, किसान 5 कट्ठा में खेत जोतेगा, हल सिंचाई करेगा, बीज देगा, खाद कीटनाशक दवा देगा, तो उसी में उगेगा। खाली 1 कट्ठा में उगने वाला इतना ईमानदार कौन है? उस किसान की दशा जो दुर्दशा है आज, मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, आज MSP है 2263 रुपया है, 1 क्विंटल का दाम भारत सरकार ने फिक्स किया है, समर्थन मूल्य 2263 रुपया। अभी हमको बता रहे थे, ये राम बहादुर से बात हो रही थी, कह रहे थे हम लोग 1700 में बेच रहे हैं, बताइए साहब घाटे का व्यवसाय है? धान पैदा किया इतना मेहनत से किसान, और इन 2 रुपये जाकर धूप में पानी में आंधी में अब बेचते हैं 1700 रुपये, तो 2217 कितना हुआ, कितना घाटा में बेचे हैं? 563 रुपये नहीं जुड़े, 563 रुपया घाटे में आप बाजार में बेच रहे हैं। इसीलिए बेच रहे हैं, किसान को अपने पत्नी के लिए, अपनी बेटी के लिए साड़ी खरीदना है, साबुन खरीदना है, आपको क्या कहते हैं तेल खरीदना है, बच्चे के लिए किताब खरीदना है, आपको तो उधाने में बेचना पड़ेगा। आप धान रख नहीं सकते हैं धान में स्टोर करके, चूंकि आपको जरूरी है, उसी पर निर्भर है आपका, आपका जो दैनिक क्या कहते हैं उसको जीवन, जीवन जो आपका चलता है वो किसानी पैसा पे चलता है, तो आप तो उसको बेचिएगा, और बेच दीजिएगा तो आपको घाटे का खेती, घाटे का व्यवसाय हो गया। और जो खेती बड़े मध्यम किसान है
उसके खेत को कंपनी सब खरीद रहा है, नहीं मानिए आपको। अभी कौन गाँव है बाबू भरिया बिशनपुर, वहाँ का टेलीफोन पर टेलीफोन आ रहा है, कंपनी जमीन ले रहा है। अब ये क्या होगा, कम दाम जो फिक्स करेगा, किसान को कर्जा के चलते आत्महत्या कर रहा है पूरे देश का पता लगाइए। कर्नाटक से लेकर के सभी जगह मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। और मोदी जी माफ किए हैं किसका कर्जा मालूम है, 11 लाख करोड़ रुपया माफ हो गया किसका, उसमें 2,35,000 करोड़ इसका माफ हुआ है। अदानी जी उनका मित्र है, दोनों मित्र मिला के 5 लाख करोड़ माफ कर दिया। अब 5 लाख करोड़ में हमको लगता है 10 पूंजीपति हो गए पूरे देश में, 5-7 पूंजीपति मिल करके 10 पूंजीपति का कर्जा माफ हुआ 11 लाख करोड़। बैंक का कर्जा है, कहता है ये फैक्ट्री नहीं चलेगा, आप इसको राइट ऑफ कर दो, बचे खाते में डाल दो। कैलाश बाबू यहाँ बैठे हैं भैया, अब वो माफ हो गया उसे, कैलाश बाबू को खनवा का भी माफ हुआ हो किसान का। 50,000 हमारा किसान कर्जा लेता है तो बैंक खोला जाता है, भूमि विकास बैंक के द्वारा नोटिस आता है, और ये पूंजीपति जो कर्जा लेता है तो माफ कर दिया जाता है। यह है देश का हाल, मैं इसीलिए इसका जिक्र किया। उनको NPA बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अंग्रेजी में, मतलब परफॉर्म नहीं हुआ इस फैक्ट्री से, इसलिए माफ। तो किसान को जो घाटा का खेती है उसको क्यों नहीं माफ करते हो, किसान घाटे के खेती के चलते मन खप लगा रहा है, खेत कोई जमीन पर नहीं जा रहा है। हम पूछते हैं लोहिया आश्रम आते हैं तो लोगों से, खेती है तो करते हैं ना, नहीं जाते। गंगा बाबा मास्टर को पूछे थे, कहा नहीं हमने मन खप लगा दिया, क्या हो रहा है, फोटो लगा दीजिए मन खप, और तब लोग कंध बचाते नहीं है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ वोट को बचा लीजिए, नहीं तो आगे कोई चुनाव होने वाला नहीं है। 2024 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा, यही एक मौका है इसको बेदखल करने का। मैं ये आपसे निवेदन करने आया हूँ, इसीलिए नागरिक आजादी खतरे में है, व्यक्ति अभिव्यक्ति स्वतंत्रता खतरे में है, इसी खतरे को बचाइए। यहाँ जो लोग कुछ लोग बोले हैं मोदी जी अभी लाभार्थी सरकार बना ली है, लाभार्थी सरकार पूछते हैं आप लोग, अभी चर्चा किसी साथी ने किया था, ये राजेश जी ने किया, हमने किया था 35 किलो अनाज अंत्योदय अनाज योजना से लेकर के सभी जगह, यहाँ राज्य सरकार कहा नहीं 35 नहीं होगा 25 देंगे, 10 किलो काट लेंगे भाड़ा में, भारत सरकार अपना दे 35, हम लोग देंगे 25 किलो। वो योजना हमारा लागू है BPL वाला, वो है लगभग 36 करोड़ शुरू किए थे, आज के दिन में BPL की संख्या 40 करोड़ है। मोदी आया देखा एकदम बड़ा बढ़िया मामला है, 40 को जो छोड़ दो, 40 और छोड़ दो, 40 को छोड़ दिया चल रहा है, लेकिन 40 करोड़ और जोड़ के कहता है देश में 5 किलो फ्री अनाज देंगे। कहिएगा ये अनाज आया कहाँ से, तो हमारे पास 610 लाख मेट्रिक टन अनाज था 96 में जब मैं भारत सरकार का मंत्री था, तो 3 लाख करोड़ खर्च होता है BPL के लिए। ये लाल कार्ड पीला कार्ड हरा कार्ड हर राज्य का अलग अलग रंग है, इसमें BPL के लिए गरीबी रेखा के नीचे के लिए योजना बना है भारत सरकार से, उस योजना का नाम है लक्ष्मी सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPD। इसके तहत योजना चली रहा, ये 300 लाख मेट्रिक टन जो बचा था अनाज हर साल बचता है उत्पादन होता है, उस अनाज को हमने रखा था 9 राज्यों में भारत में बाढ़ आती है, उड़ीसा में चक्रवात तूफान आता है, तो हमने कहा 1-1 क्विंटल फ्री दे देंगे, 5 किलो नहीं देंगे 1-1 किलो फ्री देंगे। मोदी ने क्या किया, कैबिनेट से पास नहीं किया, ये मोदी बड़ा भारी नाटक किया है, 5-5 किलो फ्री करके कहता है देखो 80 करोड़ कर देंगे, और सब अनाज मार्केट में बिक रहा है, तो उसको अनाज चाहिए नहीं, APL वाले को तो अनाज चाहिए नहीं, और कहता है 80 करोड़ को अनाज दे रहे हैं। यही है इनका लाभार्थी सरकार, लाभ देकर पुरुषार्थ खत्म कर रहा है देश का, और लाभ पता है तुमको लाभ दे रहे हैं। अरे 5 किलो जब तुम फ्री कर देते हो इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हो गया, तो 9 साल में तू प्रगति क्या किया,
जब गरीबी रेखा बढ़िया गया तो तुम्हारा विकास क्या हुआ, ये अपने आप में सवाल उठ जाता है। उसने स्वयं गरीबी रेखा को बढ़ा दिया है। भ्रष्टाचार नेता का, नेता विपक्ष का। अब विपक्ष चुनाव था और चुनाव सत्ता का, और सत्ता भाजपा, ठीक है। एक प्रश्न दूसरा है फायदा मौके का। फायदा मौके का मतलब अभी चुनाव आ रहा है, इसमें सब पर चाहे कर रहा है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा के। फायदा मौके का, मौका छापे का, छापा ईडी का, ईडी शासन की, अशासन भाजपा का। घोषणा भाजपा की, आरोप भाजपा का। अजीत पवार महाराष्ट्र में कहा 72,000 करोड़ का घोटाला किया है, दूसरे दिन भाजपा में गया, उसका धुला गया, वाशिंग पाउडर से सब दाग खत्म हो गया। उसी पर है कि घोषणा भाजपा की, आरोप भाजपा का, एनडीए गठबंधन का, भाजपा का सरकार भाजपा की, पर कार्रवाई अटक गई। कार्रवाई होना चाहिए उस पर, अजीत पवार पर कार्रवाई अटक गई, पर कार्रवाई अटक गई क्योंकि नेता भाजपा का। लोग हजार वर्षों से कीर्तन, हमारे बाप दादा पुरखा सब लोग कीर्तन लगाते थे, क्या कहते थे, काली दुर्गे राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम, यही न था भजन, यही न चल रहा था। बीजेपी आता है कहता नहीं केवल जय श्री राम। अब यहाँ जानकी नंदन सीता की जन्म हुई थी यही जनकपुर धाम में, आज वो नेपाल में है, कल तक हमारे राजधानी था मिथिलांचल का। उस बेटी का अपमान कर रहा है, सीता के बिना तो राम की कल्पना नहीं हो सकती है। सीता थी इसीलिए लंका को, रावण ने लंका पर चढ़ाई करके रावण रूपी राक्षस का वध किया, और जो वनवासी फौज थे अंग से लेकर निषाद राज से लेकर माता समरी से लेकर जटायु से लेकर सब लोग उस युद्ध में साथ दिए, तीनों आगे गए थे वहां से, राम लक्ष्मण और सीता तीनों आगे थे वनवास में। वनवासी फौज ने लंका पर चढ़ाई किया, आज जो राम मंदिर वहां बना रहा है, जरा पूछो कहीं नजर आ रहा है माता सबरी, जिसको माता की उपाधि जय श्री राम ने दिया, जो पुरुषोत्तम राम ने माता श्री कहा, पुरुषोत्तम राम ने जटायु का कुछ उथरी लेकर देता संस्कार किया, जब रावण ने उसका पंख काट दिया था तो पिताजी कहीं नजर नहीं आए राम का, राम अकेले वहाँ है, सीता लक्ष्मण। जो लोग अयोध्या में 22 तारीख को होने वाला नाटक है, इनको राम से कुछ लेना देना नहीं, राम का सिर ही बना करके पार्लियामेंट को कब्जा, देश को सत्ता कब्जा करना चाहता है। आज तो जय श्री राम कहीं चौक पर लगा दिएगा नारा तो गेट बंद होने लगता है, लोगों को लगता है कोई आतंक होने पर, लेकिन सीताराम कहिएगा तो कोई घबराएगा नहीं, क्योंकि हजारों वर्षों से हमारे पुरखों ने इसको नारा लगा, इसीलिए हम लोग जय सीताराम चलावे। ये जो इनका जय 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 राम है, जय श्री राम है, ये कौन रामायण में आया, जितने विद्वान है उसको चैलेंज हम करते हैं, जय श्री राम बतावे कहीं पर, कहीं नहीं, सब जगह यही है, पहले सीता तब राम, पहले काल दुर्गे, आप देख लीजिए जो राधे तब श्याम, सब जगह यही है। तो इसीलिए अफवाह में मत चलिए कि भगवान का भक्त, ये किसी का भक्त नहीं है, ये खोखला नारा दे रहा है। 52 वर्ष तक पूरे नागपुर हेडक्वार्टर में कभी राष्ट्रीय झंडा नहीं लगाया, अब राष्ट्रीय तिरंगा फहरा रहा है, यात्रा कर रहा है, खोखला राष्ट्रवाद का नारा दे रहा है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, क्या हिटलर राष्ट्रवादी नहीं थे, हिटलर भी राष्ट्रवादी थे, जर्मनी को 17 साल में रिबिल्ड कर दिया है हिटलर, मुसोलिन भी इटली में राष्ट्रवादी थे, और चीन में मो भी राष्ट्रवादी थे, मोदी उसी तरह का राष्ट्रवादी है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। उन लोग लोकतंत्र को नहीं मानते थे, मोदी अपना विचार को जबरदस्ती इस देश में थोपना चाहते, इसीलिए लोकतांत्रिक तानाशाही ज्यादा खतरनाक है तानाशाही से, हिटलर से ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि चुनाव के जरिए तानाशाह बन गए। पूरे लोकसभा में आज 143 मेंबर पार्लियामेंट को, 143 का जितना जनता वोट दिया होगा सब जनता को सस्पेंड कर दिया, वो तो जनता का प्रतिनिधि था, केवल एमपी सस्पेंड नहीं हुआ, जिन लोगों ने हमको मत दिया है वोट दिया है सबको इसने सस्पेंड कर दिया है।
इसीलिए लोकतंत्र पर ग्रहण लगा हुआ है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। यह देश बुलडोजर से नहीं चलेगा, यह देश जब भी चलेगा डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, धर्मनिरपेक्षता से चलेगा। भाई भाई को नफरत फैला करके ये देश में अपना राज करना चाहता है। हम सब लोग को उठना चाहिए, जगना चाहिए।